Then now we start question number 16. 16 is exercise 15.1. Toy defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. हमारे पास total ns मतलब total number of कितनी चीजें शामिल हैं? 12 defective pen and 132 क्या है? Good pen है ना, जो अच्छी condition में ये हुए defective pen और ये हुए non defective. हम यहाँ लिख सकते हैं defective pens plus good pen. Right, so trial is defective pen plus good pen is 132, then good pen is 224, matlab total number of article is 144, right? Then now we take next. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. Hello? हमें बिना देखे इन पेन की लॉट में से एक पेन निकालना है. अब क्या हुआ? वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट. एक पेन हमने इस लॉट में से निकाला. लॉट मतलब उसमें डिफेक्टिव भी है और 132 पेन अच्छे वाले. टोटल पेन कितना है? 144. देन क्वेश्चन वांट टू आस्क डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन. गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी हमको इसमें बताना है. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमने यहाँ साइन में एक फॉर्मूला लिख रखा है, आपको पहले भी वीडियो में लिख रखा है. अपॉन एम एस मतलब ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू एन मींस नंबर ऑफ आउटकम एंड एन एस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 144. प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 144 पेन में से आएगा, राइट? एंड अब उसने क्या बोला है? उस 144 पेन के लॉट में से अगर हम बिना ऐसे हाथ डाल के उसमें से कोई एक अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी, तो अच्छा पेन इसमें से आएगा 132 पेन, क्या अच्छे पेन उसमें से कोई एक हाथ में आएगा तभी तो होगा. तो वो हमारा क्या हुआ? एन मतलब नंबर ऑफ आउट. सो 132, राइट? देन कटता है तो बात हो 26 जट 12, कैरी 1 26 जट 12, 27 जट 14, 22 जट, क्लियर? देन अगेन 23 जट 6, 23 जट 6, 23 जट 6, 26 जट 12, देन नाउ 3 1 जट 3, 3 1 जट 3, एंड 3 1 जट 3 और 3 2 जट 6. So this is 11 upon 12. This is 11 upon 12. ये क्या आ गया आपका? 11 upon 12, जो 144 total pen है, उसमें से अगर हम randomly बिना देखे एक pen निकालें, तो उस lot में से बिना pen निकाल अच्छा pen आने की probability क्या होगी? अच्छे pen कितने? 132. 132 में से अगर कोई एक हाथ में आएगा, तभी तो हमारे पास अच्छा pen हो. तो हमने लिखा probability of good pen equal to 132 upon 140. ओके, क्लियर दोस्तों? देख लीजिए, पूरा पूरा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. ज्यादा कहीं कोई उलझने वाली चीज नहीं है, ठीक है? देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए. हो सकता है इस बहाने आपकी भी ट्राई हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए. ओके, बाय. जय हिंद, जय भारत.